मैं जा रही हूँ अभी पूजा करने के लिए। आज है सोमवार, सावन का फर्स्ट सोमवार है आज। चिज्जी खा रही हो? अच्छा, आपका हुकुम सलाख हो गए। देखिए दोस्तों, कैसे हमारी वाइफ हमको टॉर्चर कर। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आप देख सकते हैं मेरा घर का टोटल काम हो चुका है, सारा काम हो चुका है घर के। इधर घर का काम करने के बाद मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। उसके बाद क्योंकि मुझे जाना है मंदिर पूजा करने के लिए, आज सावन का फर्स्ट सोमवार है, तो मैं भी मंदिर जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ। आप लोग भी सोमवार किए हैं कि नहीं कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। तो मैं फटाफट रेडी हो जाऊंगी। जो भी लेडीज़ का सिंगार होता है, सिंदूर बिंदिया, वो सब मैं भी कर लूँगी। उसके बाद मैं भी चली जाऊँगी मंदिर पूजा करने के लिए फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो मैं जा रही हूँ अभी पूजा करने के लिए। आज है सोमवार, सावन का फर्स्ट सोमवार है आज। तो मैं भी पूजा करने के लिए जा रही हूँ। तो चलिए मैं दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और इधर मैंने फल वगैरह कट कर ली हूँ, सेब, केला और धूपबत्ती। और इधर फूल वगैरह मैं ले ली हूँ, सारा चीज़, पानी वगैरह, पूजा करने का चीज़। मैं आ गई हूँ मंदिर फ्रेंड पूजा करने के लिए। छोटा मोटा मंदिर है हम लोग जहाँ पे रहते हैं, तो हम आ गए हैं पूजा करने के लिए। ये मंदिर हमारे, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से 10-20 मिनट की दूरी पे है ये मंदिर। तो हम लोग आ गए हैं पूजा करने के लिए। मैं शिव भगवान का पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद वहाँ बरगर का भी पेड़ रहता है, तो मैं वहाँ पर भी पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं चली जाऊंगी, वहाँ पे बजरंगबली भी हैं, तो बजरंगबली का भी पूजा मैं दूर से कर लूँगी, क्योंकि लेडीज़ तो पूजा करती नहीं है बजरंगबली का। इसी वजह से मैं भी बजरंगबली का पूजा दूर से कर लेती हूँ फ्रेंड। नंगे पैर हूँ तो पैरों में बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि धूप से फर्श एकदम बिल्कुल गर्म हो गया है और बहुत कड़ी वाली धूप है, आप देख सकते हैं। तो मैं पूजा कर लूँगी जल्दी जल्दी। और मेरे साथ तो मेरी छोटी बच्ची भी है, और मेरे हस्बैंड ही कैमरा पकड़े थे, और मेरी बेटी भी अपने पापा के गोद में थी। तो मेरी बेटी को भी बहुत धूप लग रहा था, तो मैं जल्दी जल्दी पूजा कर लेती हूँ। सामने देखो क्या, मंदिर से आने के बाद मैं अपने घर में भी पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मैं पूजा करके नहीं जाती हूँ। मैं उधर से आती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना घर का भी पूजा कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे मंदिर कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बिल्कुल नज़र नहीं हट रहा है, इतना सुंदर लग रहा है फ्रेंड। अगर आपको भी मेरी मंदिर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, मैं पूजा करके आ चुकी हूँ। पूजा करके तो आ गई थी, और फिर मैंने घर में पूजा की हूँ। मैं मंदिर से आने के बाद मैं अपने घर में भी पूजा की हूँ। अपने मंदिर में, जो मेरा छोटा सा मंदिर है, मैंने उसमें भी पूजा कर ली हूँ। और अभी मैं देखिए लेकर के बैठी हूँ पानी, तो अभी पी लूँगी मैं पानी। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी है कि आप पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आप देख सकते हैं कि मैंने कपड़ा चेंज कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अभी मैं बैठी हूँ बालकनी में, ताकि थोड़ी बहुत मतलब हवा लगे शरीर में। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब इतना ऐसा धूप है कि आप
धूप बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा वाली गर्मी है, तो मैंने अभी कान वान मैंने सब चीज़ खोल दिया, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब, और ऐसा लग रहा था कि मंदिर से बस पूजा कर लो और फटाफट चलो रूम में, मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था वहाँ पे, ऐसा लग रहा था। और फिर छोटी बच्ची भी है मेरे साथ गई थी, तो अब दिक्कत होता है। मैंने फटाफट पूजा करके और फिर मैं, और बाकी दिन तो मतलब ऐसे बारिश होगी कि आप पूछो ही मत। और आज के दिन मतलब फास्टिंग वगैरह है, तो थोड़ा बारिश हो जाता, मौसम ठंडा हो जाता, तो थोड़ा पूजा वूजा करने के लिए चले जाओ मंदिर में तो थोड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इतनी गर्मी है कि पूछो मत। तो मैंने तो फटाफट आके देखिए पूजा वूजा करके, अपने मंदिर में भी पूजा वगैरह करके मैंने चेंज करती हूँ, क्योंकि मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है गर्मी बिल्कुल भी नहीं। पूजा करने के बाद अपना फल वगैरह खा लो, मीठे चीज़ खा लो, तो वही तो अभी मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाऊँगी खीर और पूड़ी। तो खीर मैं बना चुकी हूँ, अब मैं बनाने जा रही हूँ पूड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ज़्यादा देर तक मतलब नहीं खड़ा हो सकती हूँ, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी है। मौसम पता नहीं, बारिश हो जाए तो बहुत आराम मिलेगा। आप लोग के यहाँ बारिश हो रहा है कि नहीं सामान में मुझे ज़रूर बताइएगा, और हमारे यहाँ तो नहीं हो रहा है। देखिए आज सोमवार है, आज सोमवार ही है, लेकिन आज बिल्कुल एक बूंद भी बारिश नहीं हुआ। अगर बारिश होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी दिखाऊँगी, लेकिन अभी तो बहुत धूप है, मतलब बहुत धूप है। अभी छत पर जाऊँगी तो सिर्फ धूप का अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा, धूप ही दिखाई देगा, तो जाना ज़रूरी नहीं है, धूप में मुझे जाना ही नहीं है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। मैं आ गई हूँ किचन में खीर बनाने के लिए, तो मैं इसमें डाल दी हूँ चावल, दूध, चीनी। ये जब तक पक जाएगा तो फिर मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल दूँगी, काजू, बादाम, किशमिश। तो इसे अभी मैं पकने दूंगी, चावल अच्छी तरीका से पक जाए, उसके बाद मैं डालूंगी इसमें। अगर आप भी खीर बना रहे हैं तो चलाते रहें इसे, दो दो मिनट में, एक एक मिनट में चलाते रहें, वरना ये नीचे जल जाती है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, खाने में ख़राब हो जाती है। फ्रेंड देखिए मेरे हस्बैंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काजू और बादाम को काट रहे हैं, किशमिश तो ऐसी रहेगा साबुत, लेकिन बादाम और काजू को काट रहे हैं। देखिए इधर मेरी बेटी खा रही, क्या खा रही है तुम बाबू, क्या खा रही हो बेटा, क्या चीजी खा रही हो? अच्छा, और बाबू कहाँ गया था आज घूमने के लिए? अच्छा, अभी क्या खा रहे हो? चीजी खा रहे हो। और चोटी क्यों नहीं करते हो तुम बाबू? चोटी क्यों खोल रहे हैं बेटा? चोटी नहीं खोलना चाहिए ना, गर्मी लग रही ना मेरे बाबू को, चोटी नहीं खोलना चाहिए ना बेटा। क्या कर रहे हैं आप? जो तुमने दिया है काजू, किशमिश और बादाम काट रहे हैं। अच्छा, काजू, बादाम, किशमिश जी, जल्दी जल्दी कीजिए फटाफट। बिल्कुल, आपका हुक्म सलाखों पे। देखिए दोस्तों कैसे हमारी वाइफ हमको टॉर्चर कर रही है। अभी दोनों लोग, हम लोग मंदिर से आए हैं घूम के, मुझे भी भूख लगा, इनको भी भूख लगा है। मेरे हस्बैंड ड्राई फ्रूट को काट करके दे दिए हैं, अब मैं इसे डाल दूंगी खीर में, और खीर में इसे डालने के बाद तो खीर का टेस्ट बढ़ जाता है फ्रेंड। और मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था, वरना मैं डाल देती, मुझे नहीं पता था कि ख़त्म हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत टेस्टी बना था। मेरे हस्बैंड खाएंगे तो देख लीजिएगा, वो खुद बताएंगे आप लोग को। मैं रिफाइंड ऑयल से ही बनाती हूँ पूरी, तो मैं इस रिफाइंड को कढ़ाई में निकाल लूँगी और गर्म होने के लिए रख दूँगी फ्रेंड। और मैं आटा सेट कर ली थी, और मैं बेल लूँगी सारे पूरी को, तब तक इधर मेरा तेल भी गर्म होता रहेगा। अब मैं फटाफट सारे पूड़ी को बेल लूँगी, जब तक मेरे तेल गर्म हो रहे तब तक मैं बेल के रख लूँगी, उसके बाद मैं सारे पूड़ियाँ को सेक लूँगी फ्रेंड। अगर आप मेरे चैनल में न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड, और मेरा सपोर्ट भी कीजिएगा प्लीज़।
सारे पूड़ियों को मैं बेल ली हूँ फ्रेंड, अब मैं इसे बना लूँगी क्योंकि मेरा तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो मैं इसे तेल में डाल दूँगी। देख सकते हैं मैं डाल दी हूँ इसे तेल में, लेकिन फर्स्ट पूड़ी पता नहीं क्यों नहीं फूलता है वो मेरे से, आप बताइएगा। आप मेरे से कुछ भी मैं फर्स्ट रोटी या फर्स्ट पूड़ी बनाऊं तो बेकार ही बनती है। आप देख सकते हैं मैं दूसरा पूड़ी डाली हूँ, तब तक ये कैसे फूल के एकदम गुब्बारा बन गया है। तो मैं फटाफट सारे पूड़ियों को ऐसी सेक लूँगी फ्रेंड। पूड़ियाँ काफ़ी अच्छे से मतलब फूल जा रही हैं एकदम, मैं भी सारी पूड़ियों को सेक ली हूँ फ्रेंड, और मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना निकाल दूँगी। अब मैं खाना निकाल दी हूँ अपने हस्बैंड के लिए, पूड़ी और खीर और दही। मेरे हस्बैंड का दही खाने का भी मन था फ्रेंड। अगर आप लोग को भी खाना है तो जल्दी से आ जाइए हमारे यहाँ खाने के लिए पूड़ी खीर, वरना फिर ख़त्म हो जाएगा तो फिर मत बोलिएगा। जल्दी जल्दी आ जाइए अगर आप लोग को भी खाना है तो हमारे घर पे पूड़ी और खीर खाने के लिए जल्दी से आ जाइए फ्रेंड। कमाल का खीर है भैया, आप लोगों को भी खाना है फटाफट आ जाइए हमारे यहाँ, बहुत अच्छा बना है। अभी शाम का टाइम है तो मैं शाम का पूजा कर रही हूँ, जो शाम का नॉर्मल पूजा होती है जोत वगैरह धूपबत्ती वगैरह जला के, मैं वही कर रही हूँ फ्रेंड। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। और देख सकते हैं मंदिर कितना सुंदर लग रहा है जोत जलाने के बाद, और ज़रूर बताइएगा आप लोग कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।